Tomorrow School main campus. Today our subject is Urdu for grade nursery and the topic name is सही हरूफ के गिर्द दायरा लगाएं। ये हमारे पास कुछ हरूफ है और उनके साथ तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। इन तस्वीर को हमने देखना है कि इस तस्वीर में कौन सी आवाज इस हरफ के मुताबिक है, फिर हमने उस हरूफ को दायरा लगाना, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले बना हुआ है तितली। तितली में पहले देखना है तितली में किसकी आवाज आ रही है, हमें त की आवाज आती है, ठीक है, तितली त। अब हमने इन हरूफ को देखना है इनकी कौन सी आवाज है जो उस तस्वीर के मुताबिक है, ठीक है, फिर हमने उसको दायरा लगाना है। अलिफ मदा की आवाज होती है आ, इसलिए अलिफ मदा नहीं है। ते के ऊपर दो नुक्ते, ते की आवाज है ता, इसका मतलब है ये ता है और बे की आवाज है बा। आ त बा, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास तस्वीर क्या थी, तितली थी, तितली की आवाज थी ता। इन सब में ता की आवाज किस हरफ में आ रही है, हमें ते के हरफ में आ रही है, ठीक है, इसका मतलब है ते से बनता है तितली, ठीक। दूसरी हमारे पास तस्वीर है बतख की, बतख की आवाज है बा। अब आपने इसकी आवाज याद रखनी है कि इसकी आवाज किससे बन रही है, बा से। अब हम इन हरूफ को देखेंगे, इन हरूफ की आवाज कौन सी है। अलिफ मदा की आवाज है आ, टे की आवाज है टा, बे की आवाज है बा, और बतख किससे बना था, बा, बे, बा, बतख। इसलिए इन दो हरूफ में से कोई भी हरूफ नहीं है, ये हरूफ है, ये वो हरफ है जिसकी आवाज है बा, बे, बा, बतख। अगली तस्वीर में हमारे पास है आम। आम की आवाज में आ की आवाज आ रही है, ठीक है। अब हमने देखना है इन हरूफ में आ कौन सी आवाज, कौन से हरफ में आता है। ये लिखा हुआ है पे, पे की आवाज है पा, बे की आवाज है ब, अलिफ मदा की आवाज है आ, और ये हमारे पास क्या था, अलिफ मदा, सॉरी, ये हमारे पास क्या था, आम था, और इसकी आवाज क्या थी, आ, इसलिए अलिफ मदा से बनेगा आम, ठीक है। अगली तस्वीर है हमारे पास है टोकरी की, और टोकरी में ट की आवाज आ रही है, ठीक है। पहले हम हरूफ को देखते हैं, हरूफ की आवाज क्या क्या है। टे की आवाज है टा, टे की आवाज है ता, बे की आवाज है बा, और हमारे पास जो तस्वीर है वो क्या है, टोकरी की, और उसमें आवाज किसकी आ रही है, टा की, इसका मतलब है टेटा टोकरी, ठीक है। ये थे कुछ हरूफ और उनकी तस्वीर, मैंने आपको इनकी आवाज के मुताबिक बताया किस तरह इनको दायरा लगाना था। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मैं आपके पास हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।